फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक पावरफुल इन्वर्टर बना के दिखाऊंगा जिससे आप 12 वोल्ट की बैटरी चला के अपने पूरे घर की लाइट को चला सकते हैं, किसी भी चीज़ को चला सकते हैं जो कि 220 वोल्ट एसी करंट से चलती हो। तो इसे किस तरीके से बनाना है, इसका कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, वीडियो को अभी से एक लाइक कर देना और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो यहाँ पर इसे बनाने के लिए मैं एक 5 एम्पीयर का ट्रांसफार्मर यूज कर रहा हूँ। आप इसमें 12012 का कोई भी ट्रांसफार्मर ले सकते हैं और यहाँ पर जो 30-55 ट्रांजिस्टर होती हैं उन्हें मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। इसके बाद मैं 2 1 किलो ओम की रेजिस्टेंस लूँगा, तो बस इन 3 चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी इस इन्वर्टर को बनाने के लिए। तो चलिए इसका कनेक्शन जान लेते हैं किस तरीके से आपको इसका कनेक्शन करना है। तो पहले फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर है और रेजिस्टेंस है इनकी सोल्डिंग कर लेता हूँ और आपको इनका कनेक्शन बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर होती हैं वो एक साइड से थोड़ी सी लंबी होती हैं, तो उस वाली साइड में आपको रेजिस्टेंस का नीचे वाला पॉइंट यहाँ पे जोड़ देना है और इसके एक लेग पर आपको रेजिस्टेंस का दूसरा वाला पॉइंट यहाँ पे जोड़ देना है। बीच के दोनों पॉइंट को आपको आपस में यहाँ पे सोल्ड कर देना है। इस पर हम ग्राउंड देंगे 12 वोल्ट की बैटरी का और यहाँ पे जो 12012 ट्रांसफार्मर होता है उसके लेफ्ट और राइट वाले पॉइंट को आपको यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर है उनके नीचे वाले पॉइंट के यानी कि जो उनकी प्लेट है उसके साथ आपको सोल्डिंग करनी है। पॉजिटिव वाला पॉइंट हम यहाँ पे जो बैटरी का हुआ 12 वोल्ट की बैटरी का उसे हम जो 12012 का ट्रांसफार्मर होता है उसके बीच वाले पॉइंट पर देंगे यानी कि जो 0 नंबर का होता है उस पर। तो कुछ इस तरीके से आप देख के भी इसकी सोल्डिंग कर सकते हैं। जो साइड वाले पॉइंट है उन्हें आपको जो ट्रांजिस्टर है उसके नीचे वाली प्लेट के यानी कि इसकी बॉडी के साथ यहाँ पर सोल्ड कर देना है। इसके बाद में यहाँ पे जो यहाँ पे बैटरी का नेगेटिव वाला पॉइंट है उसे हम दोनों ट्रांजिस्टर के बीच वाले पॉइंट के साथ यहाँ पर सोल्ड करेंगे जहाँ पे हमने ब्लू वाला वायर यहाँ पर सोल्ड किया है, यानी कि दोनों ट्रांजिस्टर को हमने यहाँ पर आपस में सॉर्ट किया है इस तरीके से। तो इनका कनेक्शन आपको कुछ इस तरीके से कर लेना है। फ्रेंड्स, आपको इसे बॉक्स के अंदर बनाना है और आपको इसे सावधानी से यूज करना है क्योंकि ये 220 वोल्ट एसी करंट बनाएगा, तो आपको इसे इस तरीके से खुला यहाँ पर नहीं यूज करना है। इसके बाद में यहाँ पर जो इसके एसी लाइट वाले वायर होते हैं जहाँ से हम एसी सप्लाई देते हैं डीसी सप्लाई देने के लिए, वहीं पर हमें एसी मिलेगा आउटपुट। तो यहीं पर मैं एक एसी लाइट का होल्डर लगा देता हूँ और जिसमें मैं आपको जो एसी लाइट से चलने वाला बल्ब होता है उसे मैं आपको चला के दिखाऊंगा कि किस तरीके से काम करता है। मैं आपको इससे मोबाइल फ़ोन भी चार्ज करके दिखाऊंगा। वैसे आप इससे जो कम वाट वाली चीज़ होती है वो आप इससे ईजिली चला सकते हैं। तो यहाँ पर इसके दोनों वायर मैं कुछ इस तरीके से होल्डर के साथ यहाँ पर कनेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद मैं फाइनली आपको चेक करके दिखा देता हूँ किस तरीके से जो इन्वर्टर वो वर्क करता है। काफ़ी सिंपल इन्वर्टर है और काफ़ी सिंपल इसका कनेक्शन है। अगर आप इन्वर्टर खरीदें तो काफ़ी महंगा मिलेगा, लेकिन इस तरीके से आप पुराने ट्रांसफार्मर से भी बना सकते हैं, देख पाऊँगे यहाँ पर। तो चलिए फाइनली आप इसे चेक करके देखते हैं किस तरीके से वर्क करता है। और फ्रेंड्स, ये कोई फेक वीडियो नहीं है, आप इसे घर पर ट्राई कर सकते हैं, बस आपको इसे सावधानी से यूज करना है। तो यहाँ पर मैंने एसी लाइट से चलने वाला एक 25 वाट का बल्ब लगा दिया है और मैं इसे एक 12 वोल्ट की बैटरी चला रहा हूँ। आप इसे 12 वोल्ट की किसी भी बैटरी से चला सकते हैं। तो बीच वाला पॉइंट यहाँ पे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पे मैं बैटरी का पॉजिटिव दे देता हूँ और यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर है उनका नेगेटिव यहाँ पे कुछ इस तरीके से नेगेटिव वाले वायर के साथ मैं यहाँ पे जोड़ देता हूँ। तो देख पाऊँ फ्रेंड्स, यहाँ पे जो इन्वर्टर वो यहाँ पे ऑन हो गया है और जो बल्ब है वो भी यहाँ पे ग्लो करने लगा है। मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 220 वोल्ट आउटपुट में एसी करंट बनाता है, तो आपको इसे एक बॉक्स के अंदर बनाना है। अगर आपको इसे बनाना नहीं आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं पूरे जो इन्वर्टर है उसके ऊपर अलग से एक वीडियो बना दूँ जिसमें आपको इसे पूरा सेटअप करके दिखाऊँ किस तरीके से आप अपने घर के यूज के लिए इसके अंदर बैटरी लगा सकते हैं और सारा कनेक्शन एसी के अंदर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक चार्जर लगा देता हूँ और आपको मोबाइल चार्ज करके दिखा देता हूँ। वैसे यहाँ पर इसमें मोबाइल चार्जर सही तरीके से सेट नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी मैं आपको इसे थोड़ा सा चेक करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा लूज हो रहा है, मैं आपको उसे चेक करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके से मोबाइल भी चार्ज कर सकता है। तो यहाँ पे अभी ये सही तरीके से सेट नहीं हुआ है, इस वजह से यहाँ पे इसमें चार्जिंग शो नहीं कर रहा। चलिए मैं थोड़ा सा इसे हिलाने के बाद मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ कि ये ऑन हो रहा है कि नहीं। तो देख पाऊँ फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मोबाइल है वो चार्जिंग शो करने लगा है और यहाँ पर थोड़ा सा ये हिल रहा है, इस वजह से यहाँ पर परफेक्ट तरीके से शो नहीं कर रहा है। लेकिन अगर आप इसे एक बोर्ड के साथ लगाएंगे उसके बाद में 100% वर्क करेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।